हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन तो आज हम न्यू ईयर का लुक क्रिएट करने वाली हूँ तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई कर लिया था एंड इसके बाद मैं सीरम अप्लाई करूँगी ये गुड वाइब्स का सूट सीरम है एंड ये मॉइस्चराइजर जो भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ ये पर्पल का ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड वाला प्राइमर है प्राइमर लगाने से आपको ये होगा कि आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे एंड जिससे आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है मेकअप करने से वो नहीं होगी एंड uh, इसके बाद में कलर करेक्टर लिया है ये शुगर का कलर करेक्टर है तो जहां जहां आपको लगता है आपके चेहरे पे दाग है वहां पे आप करेक्ट कर सकते हो तो इस तरह से मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग इस तरह से किया इसको आपको रगड़ना नहीं है डैब करके कर सकते हो फिंगर से मुझे ज्यादा बेटर लगता है इसलिए मैं फिंगर से कर रही हूँ आप ब्लेंडर का भी आ, यूज कर सकते हो उससे भी आप कर सकते हो सेम आ, ऐसा ही रिजल्ट आएगा आपको एंड इसके बाद मैंने कंसीलर लिया है कंसीलर को वहां वहां आपने अप्लाई करना है जहां आपने हाईलाइट करना है और आपने कलर करेक्ट किया है तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो तो इस तरह से मैं करूंगी आप नोज पे भी आपको अप्लाई करना है इवन आपने आई शेडो जो लगाना है उसके ऊपर पूरी तरह से अच्छे से लगाना अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाई हूँ कि मैंने पर मैंने आईज के ऊपर भी पूरी तरह से कंसील किया था और उसी तरह से डैब करके उसको अपने स्किन के अंदर ले लूंगी एंड नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स ये जो भी मैं बता रही हूँ काफ़ी सिंपल है एंड uh, मतलब कोई भी कर सकता है और मैंने भी कुछ सीखा नहीं है बट हाँ इतना है आता है कि करने के बाद मतलब अच्छा दिखता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा एक ब्लेंडिंग ब्रश है आई का उस पर मैंने माइक ग्लैम का ये नाइन पै जो आई साइडों वाले आते हैं ना उसमें से ये लिया था इस प्रोडक्ट का मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है आ, करके मैं आपको जरूर आ, वीडियो अपलोड करूंगी तो आप देखो इसमें से मैंने लाइट कलर लिया एंड उसके साथ इस तरह से ब्लेंड करके कभी भी आपको ऊपर जो कलर लेना है वो लाइट सेड में लेना है और आप जितना बिल्डअप करना चाहें उस तरह से आप बिल्डअप कर सकते हैं फ्रेंड्स ये वाला लुक मैंने ना क्रिसमस पे क्रिएट किया था तो काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ये जो पैलेट है ये मेवलिन का न्यूड सेट वाला पैलेट है तो इसमें से मैंने ये डार्क पर्पल कह सकते हो या फिर आपके पास इस तरह का नहीं है कोई पैलेट तो आप ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हो इसके जगह पे सेम ऐसा ही लुक क्रिएट होगा तो हाफ जगह पे आँख की आधी दूरी में ना आपने आ, ये वाला सेट लगाना है एंड यहाँ पे जो ब्रश यूज किया है मैंने ये सॉकेट ब्रश है तो मिनिमम आपको कितने ब्रश की रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डाल दूंगी आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस तीन चार ब्रश से आप बहुत अच्छा आई लुक क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया है एंड यहाँ पे माइक लैम वाले से ही मैं ये ब्राउन डार्क ब्राउन लूंगी एंड हाफ एरिया जो बचा हुआ था वहां पे मैं इस तरह से इस पे अप्लाई कर लूंगी एंड ये जब आप इस तरह से अप्लाई करोगे ना तो आपको थोड़ी बार चार पांच बार बिल्डअप करना पड़ेगा एंड दोनों कलर को इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश से लेके आपको एक दूसरे के साथ स्मच कर देना है ताकि कोई हार्स लाइन ना दिखे बस हो गया एंड नीचे की तरफ वही कलर आप लोग अप्लाई करना है जो अपने आई साइडों पे आपने ऊपर की तरफ अप्लाई किया था आप काजल भी अप्लाई कर सकते हो मेरे फेस पे मुझे लगता है कि काजल अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं काजल अप्लाई नहीं करती हूँ बट आप काजल अप्लाई करोगे तो ये लुक और भी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड फ्रेंड्स एक फिंगर की हेल्प से माइक ग्लैम का ये जो गोल्डन वाला है उसको बस आपके हैंड इस तरह फिंगर में लोगे एंड इस तरह से डैब करके अपने आई के ऊपर सेंटर में कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है अगर आपके पास ये पैलेट भी नहीं है तो आप अपना ग्लीटर यूज कर सकते हो नॉर्मल जो ग्लीटर आते हैं तो उस ग्लेटर को आपको यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करना है अभी यहाँ पे ना मैंने कलर का यूज किया था बट वो दिखा नहीं पाई आपको एंड उसके बाद मैं मस्करा अप्लाई करूंगी मस्करा अप्लाई करने के बाद फिर मैं इस तरह से आ, अपने लेसेस को अप्लाई करूंगी लैसेस पे भी पार्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया है किस तरह से आप बहुत आसानी से लगा सकते हो तो आप चैनल देखना देखो जब मस्करा हम लगाते हैं ना तो अगर किसी नीचे की तरफ लग जाता है तो आपको उस टाइम ही नहीं हटाना है आप देखो मेरा नीचे की तरफ लग गया था तो मैंने उसको छोड़ दिया ड्राई होने के लिए एंड इस तरह से वाले ब्रश को लेके आप जब हटाओगे तो आसानी से हट जाएगा ना आपका बेस भी खराब नहीं होगा अब यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया है एंड फाउंडेशन जो था वो लॉरियल का था ये फाउंडेशन मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है आ, और उसके बाद यहाँ पे एले गर्ल का मैंने ब्राउन्जर ये एक्चुअली कंसीलर है बट इसको मैं ब्राउन्जर की तरह यूज करती हूँ बिकॉज जो आपका सेड होता है फाउंडेशन का उससे अगर डार्क सेड का दो सेट डार्क अगर आप कंसीलर यूज करते हो तो वो आपके ब्राउजर का भी यूज कर आ, हो जाता है आराम से तो ये काफी ज्यादा अच्छा ब्राउजर है अगर आप ब्राउजर पे पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन करना मैं जरूर उस पर बत, बताऊंगी कि पूरी तरह से किस तरह से आपको अप्लाई करना होता है एंड कौन सा बेटर है तो बस इस तरह से जहां जहां मैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से आप कर सकते हो एंड नोज के साइड पे तरह से जहां लगाया है मैंने वहां ब्लेंडर से उसको नीचे की तरफ करूंगी हेड वाले एरिया को ऊपर की तरफ लेंगे एंड चीन वाली एरिया को नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे फ्रेंड्स आपने जहाँ जहाँ ब्राउजर अभी लगाया है उसके ऊपर आपको पाउडर ब्राउजर मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि वो पूरी तरह से सेट हो जाए एंड इसके बाद ऊपर की तरफ आपने लगाना है ब्लश ब्लश मैंने केपले का यूज़ किया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सटल लगता है बहुत ज़्यादा चंकी नहीं लगता है एंड इसके बाद यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के कॉर्नर पे एंड आईब्रोज के नीचे अप्लाई करूंगी नोज पे अप्लाई करूँगी एंड आप अपने चिन पे भी अप्लाई करोगे

कंप्लीट है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लिपस्टिक भी माइक ग्लैम का ही है एंड इस पे मैं थोड़ा सा बस सेंटर में इस तरह से लिक्विड ये ग्लीटर वाले लगाऊंगी एंड बस ये लुक कंप्लीट है एंड मैं इसके बाद दो चार अपनी फोटोज क्लिक करूंगी जो मैं आपको यहाँ पे इसके बाद इंक्लूड करती हूँ तो आपको कैसी लगी वीडियो जरूर मेंशन करना अगर किसी चीज पे अगर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए माइक लैम का तो वो भी आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर